क्या आपको पता है कि जो हार्ट की जो बीमारियां हैं वो दुनिया में जितनी मौतें होती हैं उनमें से एक मुख्य कारण है। ये एक चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न हमारा आजकल के जो हमारा खान पान है, जीवन है, उसमें जो जीवन का जीने का तरीका है, ये उस उनमें से एक वजहों में से बनकर के आता है। हम लोग ज़्यादा मीट खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जिसमें फैट ज़्यादा है, हमें अब ज़्यादा तनाव रहने लगा है, यहाँ तक कि हम अब काफ़ी एक्सरसाइज या कसरत भी नहीं कर पाते हैं। तो ये ओमेगा 3 क्या है, ये कैसे मदद करेगा? खैर, सबसे पहले हम लोगों को फैट के बारे में बात करने की जरूरत है। दो तरीके के फैट होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है ये एक अच्छा फैट होता है, ये वो फैट है जिसकी हमारी शरीर को जरूरत है, ये हमारी नसों की सुरक्षा करने के लिए मदद करता है और ये रूम के टेम्परेचर पर यानी कि घर के कमरे के तापमान में लिक्विड में यानी कि तरल पदार्थ में ही बना रहता है। आप इसको सेसमी ऑयल, फिश ऑयल या फिर एवोकेडो के ऑयल में भी पा सकते हो। सैचुरेटेड फैट्स जो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, एक बुरे तरीके का फैट होता है, ये एक एनिमल फैट होता है। अगर आप इसे ज्यादा लोगे तो आपके शरीर में एक बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा और ये रूम के टेम्परेचर पर यानी कमरे के तापमान में आमतौर पर सॉलिड होता है, ठोस होता है। ये आपको पोर्क फैट में मिल जाता है, बटर में मिल जाता है, यहाँ तक कि लार्ड में भी। ये आमतौर पर कंजील्ड बेकन ग्रीस अगर हम उसकी बात करते हैं, आप सोच करके देखो, ऐसी चीज अगर आपके हृदय की धमनियों या फिर हृदय के दिल की धमनियों में जमा पड़ा है, अब जब ओमेगा 3 की बात आती है तो ये तो एक गुड टाइप फैट, अच्छे तरीके का फैट है। ये बहुत जरूरी फैटी एसिड्स में से एक है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है। तीन तरीके के ओमेगा 3 होते हैं हमारे पास, है EPA और DHA, जो कि खास तौर से फिश में या मछली में या फिर चीजें जो आप समुद्र में पाते हैं उनमें मिलता है, और ALA जो कि बहुत ज्यादा आपको पौधों में मिल जाएगा। आज हम EPA और DHA पर ध्यान देने वाले हैं। इसमें हमारे शरीर को फायदा देने की बहुत सी क्षमताएं होती है, ये हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा और ताकत देते हैं। मछली के ऑयल में EPA और DHA दोनों ही होता है और ये हमारे हृदय को यानी दिल को स्वस्थ रखने के लिए बहुत मददगार है। ये ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने के लिए मदद करता है जिससे कि हमारा जो दिल है वो और स्वस्थ बन जाए। ये यहाँ तक खून जमने से भी बचाता है और इससे कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस जो होती हैं वो उसका भी जो खतरा होता है वो भी कम हो जाता है। EPA जो होता है वो हमारा बिहेवियर और मूड को संतुलित करता है। जो DHA है वो बहुत जरूरी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जिसकी हमारे शरीर को जरूरत है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी वो हिस्सा होता है जो हमारे शरीर के पार्ट्स को, अंगों को बनाने में मदद करता है, खास तौर से हमारा दिमाग और हमारी आंखों की रेटिना। इसलिए जो शुरुआती दिमाग का जो विकास होता है उसके लिए ओमेगा 3 बहुत जरूरी होता है, खास तौर से बच्चों में। हमारा शरीर खुद से तो ओमेगा 3 बना नहीं सकता, इसीलिए हमें इसे खाना पड़ता है, या तो मछली से मिल जाएगा या फिर कोई सप्लीमेंट से। अब जो जितने भी सप्लीमेंट बनते हैं वो बराबर तो बनते नहीं है। एटोमिका अलास्का ई ओमेगा 3 जो है वो हाई क्वालिटी फिश ऑयल से बना है जिसमें 65% EPA और DHA है। इसमें और भी ज्यादा जरूरी विटामिन ई होता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये हमारे हार्ट के मसल्स के सेल के लिए बहुत जरूरी है, और टर्मरिक ऑयल जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और ये हमारी धमनियों के लिए या फिर आर्टरीज के लिए बहुत जरूरी है। अगर अब हम इसे खोल करके देखें तो ये बिल्कुल एक साफ क्लियर जेलेटिन कैप्सूल होता है। ये आपको दिन में 2 कैप्सूल लेने पड़ते हैं। अब अगर हम इसके और आगे बढ़ करके एक काम और करके देखते हैं, हम एक फ्रीजर टेस्ट करके देखते हैं कंपेयर करने के लिए जो हमारा ओमेगा 3 है और बाकी सप्लीमेंट से। इसको हम शुरू करें उससे पहले हम ये चाहते हैं कि आप इसकी बनावट पर भी ध्यान दीजिए जो बाकी ब्रांड्स के जो सप्लीमेंट है उनसे। अगर आप ध्यान देंगे जो एटमिका ओमेगा 3 है ये आकार में काफी छोटा है और ये तो एक खास बना देता है। इस तरीके के आकार का ओमेगा 3 आपको मार्केट में नहीं मिलता है, जो कि आमतौर पर ऑयल के जो प्रोडक्ट बनते हैं अगर आप उनमें मार्केट में देखेंगे तो ये बाकी जो बनाते हैं वो बहुत बड़े ही आकार के बनाते हैं। इतने बड़े आकार के बनाते हैं कि आपकी जो सबसे छोटी उंगली है उसको अगर हम आधे आकार का देखें तो इतने बड़े बड़े आकार के आपको कैप्सूल्स या फिर बाकी सप्लीमेंट्स में ये मिलता है। अब आप एक इस बात को आप एक बार सोच करके देखिए कि इस इतने बड़े आकार के आप जो कैप्सूल है उसे आप अपने बच्चे को दे रहे हैं कि वो निगल सके, या एक बुजुर्ग व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी को भी इनको निगलने में भी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ेगी। मतलब मैं अपने आप से अगर मैं सोच करके देखूं तो मैं खुद एक छोटे बच्चे को ये निगलने के लिए देने के लिए फिक्र करूंगा, मैं डर जाऊंगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो बच्चे के गले में फंस जाए और उसे दिक्कत हो जाएगी। तो खैर, कैसे भी जो ओमेगा 3 है वो एक अनसैचुरेटेड फैट होता है, एक अच्छे तरीके का फैट होता है। हमने जैसे अभी बात करी थी इसको जमाने के बारे में, तो ये आमतौर पर फ्रीजर में बिल्कुल भी जमना चाहिए ही नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं उनको लेकर के फ्रिज में रखने वाले हैं और रात भर उन्हें जमा कर
करके रखते हैं। तो हम ये टेस्ट करके देखते हैं, हम देखते हैं कि क्या ये सच में जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये दूसरे तरीके के ब्रांड के सप्लीमेंट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही कंजील्ड है। तो जो बाकी तरीके के जो प्रोडक्ट्स थे अगर आप उन्हें देखेंगे तो ये लगभग लगभग जम चुके हैं, मगर जो एटमी है अब हम देखते हैं उसका क्या हुआ। ये देखो, अगर हम इसको सिर्फ निचोड़ ही देंगे तो ये पूरी तरीके से बाहर बह जाएगा, पूरी तरीके से ये लिक्विड है। ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो बाकी जो प्रोडक्ट्स थे उनमें ज्यादातर 30% ओमेगा 3 ही मिल पाता है, मगर जब एटमी के ओमेगा 3 की बात आती है तो वहां पर आपको 65% ओमेगा 3 मिलता है, जिसमें आपको 350 mg मिलता है। और ये एक्चुअल ओमेगा 3 होता है जो हम बाकी की गोलियों से तुलना करते हैं उनसे, जिनमें करीब करीब 360 mg ओमेगा 3 बताया जाता है। एटमी की जो ओमेगा 3 की गोली है वो बिल्कुल उनके आधे आकार की है, फिर भी इसमें लगभग उतना ही बराबरी का ओमेगा 3 आ जाता है जो बाकी के आपको प्रोडक्ट्स में मिलेगा। अब क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट है आपको इसकी 2 गोलियां लेनी है एक दिन में, मगर फिर भी आप सही बताओ आप कौन सी वाली चुनोगे। अब ये रिकमेंड यानी कि सलाह तो नहीं दी जाती है, लेकिन अगर हम एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सलाह को माने तो हमें कम से कम हफ्ते में 2 बार तो फिश ऑयल लेना ही चाहिए। कई लोगों को परेशानी होती है कि उसकी स्मेल भी अजीब होती है, तो उसके लिए हमें बड़ा धन्यवाद देना चाहिए इस चीज के लिए कि यहाँ पर हमें कोई भी बदबू या फिर स्मेल का दुर्गंध का सामना नहीं करना पड़ता। आमतौर पे जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर आप उनमें देखेंगे गंध मिलती है आपको ओमेगा 3 की, मगर जब हम एटमी की बात करते हैं उतना इससे नहीं मिलेगा। अब आप इस बात को सोच करके भी देखिए कि ये पहले से ही जमाया जा चुका है। अगर ये बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ये पहले ही जमाए जा चुके हैं और अगर ये पूरी तरीके से लिक्विड होते तो फिर कितनी देर इसमें से गंध निकलती। मगर अब मैं जब दूसरे प्रोडक्ट के बारे में, जो दूसरी गोली है, मैं अगर उसके बारे में बात करूं जो अभी तक काटा नहीं गया है और उसमें से मुझे कोई भी अभी तक स्मेल ही नहीं आ रही है जो एटमी का ओमेगा 3 है। कई लोग हैं जो कि ओमेगा 3 सिर्फ इस वजह से लेने के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि इसमें से बड़ी तेज मछली के तेल की स्मेल आती है, दुर्गंध आती है, इसलिए वो इसे लेना भी नहीं चाहते हैं। मगर वो उन्हें ये जानना चाहिए कि ये उनके लिए बहुत जरूरी है। अब जब अलास्का एटमी का अलास्का ई ओमेगा 3 मछली के तेल की बात आती है तो ये डोमेस्टिकली यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया जाता है। ये अलास्का के वहां से जितने भी सामान है वहां से उनको ट्रांसपोर्ट करके लाया जाता है, रिफाइनमेंट है ओहायो में, और वे लोग कोल्ड वाटर फिश जो है उसका प्राइमरीली इस्तेमाल करते हैं और वहां पर जो है बहुत शुद्ध और बहुत उच्च तरीके की तकनीक को इस्तेमाल करके इसे शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रखा जाता है, दुर्गंध हटाई जाती है और जिससे कि ये बिल्कुल आपको तरोताजा एक मछली का तेल मिल पाए और गंध रहित मिल पाए, या फिर बहुत इसके लिए ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। अब एक जो बॉटल होती है उसमें 180 पीस मिलते हैं और ये 3 महीने की सप्लाई होती है। अब अगर हम इसकी कीमत के बारे में अगर इस तरीके से देखें कि जो हमें हार्ट सर्जरी कराने के बाद जो पैसा देना पड़ता है, अगर हम उसकी तुलना में इसकी कीमत का ध्यान दें तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि मीट खाते हैं, हाई सैचुरेटेड फैट्स लेते हैं अपनी डाइट में, और उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जो कि फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं मगर ज्यादा मछली लेना पसंद नहीं करते अपनी डाइट में, या फिर किसी के लिए भी जो अपने दिल को अपने हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तो इसलिए आप एटमी का अलास्का ई ओमेगा 3 ट्राई कीजिए।